यूक्रेन रूस में इस समय आमने सामने की जंग जारी है और इसका केंद्र है डोनबास। यहाँ अवदिवका से लेकर बाखमुत तक के क्षेत्र पर पूरी तरह से बारूदी बादल छाए हुए हैं, इसीलिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने इसी क्षेत्र की तरफ रुख किया और वो तस्वीरें भी जुटाई जो अब तक वॉर रिपोर्टिंग के दौरान कोई भी नहीं जुटा सका है। आप भी देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर मनीष झा की एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। हम इस वक्त T-72 टैंक पर सवार हैं। हम इस वक्त डोनबास में बाखमुत और अवदिवका के बीचों बीच स्थित हैं। इस वक्त हम रियल फ्रंट लाइन पर वहां हैं जहां सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी जाती है। आप देख रहे हैं ये सब टैंक के जो गोले इस्तेमाल किए गए हैं उसके पार्ट्स हैं। देखिए ये इस वक्त मेरे हाथ में T-72 का गोला है जो टैंकिस्ट अभी रियल में फायर करने वाले हैं, यूक्रेन के बेस पर फायर करने वाले हैं। भयानक आवाज थी, टैंक हिल गया और अब हमें यहाँ से निकलने के लिए कहा गया। टैंक से गोले दागे गए, अब कभी भी उधर से गोले दागे जा सकते हैं, इसलिए अब हम लोग तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। ये रूस के कब्जे वाले डोनबास का वो क्षेत्र है जहां कब कहां से टैंक का गोला, रॉकेट या मिसाइल आकर गिर जाए कोई नहीं जानता। रक्षा नियमों के मुताबिक ना तो जगह का हम नाम बता सकते हैं, ना ही इसके भौगोलिक स्थिति आपको दिखा सकते हैं। बस जो दिखा सकते हैं वो रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का प्रसारण है। डोनबास में अंतिम चरण, टीवी 9 भारतवर्ष पर लाइव प्रसारण। इस दहकते बारूदी वॉर जोन में टीवी 9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर मनीष झा ने जैसे ही कदम रखा वैसे ही आभास हो गया कि बारूद का कोई भी तिनका किसी भी वक्त इस इलाके में मौजूद रूसी सेना को तबाह कर सकता है और इस तबाही का न सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष गवाह बनेगा बल्कि जान हथेली पर रखकर जो टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है वो खुद जंग की ज्वाला से घिरी है। हम इस वक्त डोनबास में बाखमुत और अवदिवका के बीचों बीच स्थित है और T-72 टैंक पर सवार है और हमारा मकसद ये दिखाने को है कि देखिए इस इलाके में किस तरीके से रूस और रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना को शिकस्त देते हुए इस इलाके में पूरी तरह से अपना होल्ड बनाए रखा है। टीवी 9 की टीम आपको रूस के उसी वॉर स्ट्रेटजी का वो हिस्सा दिखा रही है जहां पर आपके उन तमाम सवालों का जवाब है कि क्या होगा जब रूस और नाटो के बीच सीधी लड़ाई होगी, क्या होगा जब रूस के टैंक और नाटो के टैंक गिरेंगे। बाखमुत और अवदिवका के बीच किसी अनजान जगह पर यूक्रेनी सेना से मोर्चा लेने के लिए रूसी T-72 टैंक तैनात हो चुका था। बचाव के लिए सिर्फ मैदानी इलाके के दूसरी तरफ झाड़ियों वाला हिस्सा था, लेकिन जंग की वजह से तबाह हुए जंगल में ना तो टूही ड्रोन से बचा जा सकता था और ना किसी अनजान हमले को रोका जा सकता था, इसलिए ताकत की नुमाइश जरूरी थी और इस नुमाइश का गवाह टीवी 9 भारतवर्ष बना। देखिए ये इस वक्त मेरे हाथ में T-72 का गोला है जो टैंकिस्ट अभी रियल में फायर करने वाले हैं, यूक्रेन के बेस पर फायर करने वाले हैं और उसके बाद तुरंत हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि जवाबी कार्रवाई में वहाँ से भी गोले होंगे। और इन्होंने कहा कि इसको किसी भी आलम में गिरने मत देना वरना फिर क्या होगा वो आप समझ ही सकते हैं कि इतना बड़ा गोला यहाँ गिरेगा तो ये अब यहाँ पर गोले दागने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि हमने अपना हेलमेट बदल लिया है, टैंकिस्ट ने मुझे अपना हेलमेट दिया है ताकि मेरे कान में उतनी धमाके की आवाज़ ना सुनाई पड़े और मुझे इशारा किया गया कि मैं झुक जाऊँ। और अब देखिए टैंक के भीतर कुछ साउंड मुझे सुनाई पड़ रहा है, मुझे नहीं पता अंदर क्या कुछ हो रहा है क्योंकि टैंक के अंदर की चीज़ें मुझे नहीं पता है और अब वो गोले दागने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर देखिए रिपोर्टिंग के दरमियान इस तरह के क्षण आते हैं जब आपको भयानक आवाज़ थी, टैंक हिल गया, मेरे लिए बहुत कुछ था और आप देखिए रियल गोरे लगे हैं। मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है जब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि और अब हमें यहाँ से निकलने के लिए कहा गया।
इस तरह ताकत का एहसास कराना और मोर्चा लेने का दरअसल एक मकसद था। ये मकसद था यूक्रेनी फोर्स को रूस की तैयारी का एहसास कराना, क्योंकि रूस को खुफिया जानकारी मिली है कि यूक्रेन क्रीमिया प्लान के तहत कुछ घंटों में हाहाकारी एक्शन ले सकता है। इसीलिए रूसी फोर्स ने आक्रामकता दिखाने में कोई कमी नहीं रखी। इस वक्त हम रियल फ्रंट लाइन पर वहां हैं जहां सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी जाती है। आप देख रहे हैं ये सब टैंक के जो गोले इस्तेमाल किए गए हैं उसके पार्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लगे हुए, लगातार यहाँ से फायरिंग होती है। यहाँ से अवदीवका डायरेक्शन में जो वहाँ यूक्रेन की सेना मौजूद है उधर फाइट होती है, और इसी वजह से यहाँ पर टैंक की पोजीशन है और टैंक की पोजीशन से लगातार यहाँ से हमले किए जाते हैं। तो हम इस वक्त जा रहे हैं, हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए धमाके की आवाज़ आपको सुनाई पड़ी, जोरदार धमाके की आवाज़। सामने में उस तरफ यूक्रेन की सेना की पोजीशन है और यहाँ से लगातार फायरिंग की जाती है, और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है T-72 क्लासिकल वर्जन, रूसी सेना का वो टैंक जिसके वर्जन भारतीय सेना के पास हैं, और इंडियन आर्मी ने इन्हीं टैंकों के जरिए 65 और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। यकीन मानिए TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम जिस जगह पर मौजूद है वो कोई एक्सरसाइज जोन नहीं है बल्कि जंग का मैदान है, और इस जंग में मौजूद चेहरों पर हावी दुश्मन के हमले का डर इसकी पुष्टि कर रहा है। हालांकि इसी डोनबास क्षेत्र में रूस की एक्सरसाइज भी जारी है, लेकिन इस जगह का उस एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं। हालांकि एक्सरसाइज जरूर बता रही है कि जंग की तैयारी बेहद विनाशक दौर में है, जिसकी पुष्टि होती है डोनबास में रूसी सैन्य कैंप पर पहुंचकर, जहां यूक्रेनी सैनिकों के हर शव का प्रमाण मौजूद है। ये सब जो विदेशी हथियार है, कोई अमेरिकन है, कोई जर्मन है, कोई ब्रिटिश है, कोई पोलिश है, कुछ यूक्रेनियन भी है, और इन सब को कब्जा करके फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिकों को मारने के बाद रूसी सैनिकों ने हासिल किया है, और इसे बतौर यादगार मेडल के तौर पर बेस पर रखा गया है। इसमें नई एंट्री भी हुई है कुछ, जैसे कि आप देखिए जो ब्रिटिश LMG है ये, और या फिर अमेरिकन जो आप गन देख रहे हैं इसको, और इनका कहना है कि ये सब का वो इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके पास जो रूसी हथियार है वो इससे ज़्यादा बेहतर है, और उसका इस्तेमाल करने पर इनके सैनिकों को ज़्यादा बेहतर ढंग से आसानी से लड़ाई लड़ने में मदद मिलती है, और इसीलिए बस इसे मेडल के तौर पर रखते हैं। और अब ये इंतज़ार कर रहे हैं, सो जब अमेरिकन या फिर जो जर्मन टैंक आएंगे तो उसको ये मेडल के तौर पर इसी तरह से रखेंगे। वॉर जोन से अलग बेस पर जो दिख रहा है वो रूस की डोनबास क्षेत्र में मजबूत होती पकड़ का सबूत है, लेकिन वॉर जोन में अब भी आशंकाओं का जंगल है। खुले आसमान के नीचे रूसी टैंक का होना सीधा सीधा यूक्रेन को चुनौती देने जैसा है, और इसका गवाह TV9 भारतवर्ष की टीम है। डोनबास के वॉर जोन से मनीष झा की रिपोर्ट।